दोस्तों नमस्कार। आप देख सकते हैं हमने लिया है तुलसी का पत्ता। ये दोस्तों काली तुलसी है, वैसे आप जो भी तुलसी मिले उसका उपयोग कर सकते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, खांसी श्वास दमा अस्थमा को जड़ से ठीक करने का एक बहुत ही घरेलू नुस्खा, बहुत ही आसान विधि द्वारा आपको बताएंगे, आपको स्वयं करके दिखाएंगे। इस औषधि को आप कैसे तैयार कर सकते हैं, बस 5 मिनट का काम है दोस्तों। आपको ये लेना है तुलसी के पत्ते और इस पत्ते को थोड़ा कुचल कर इसका रस निकालना है 5 ml। रस निकाल कर दोस्तों इसमें कौन सी और औषधि ऐड करनी है वो हम आपको आगे बताएंगे। तो दोस्तों फाइनली हमने तुलसी के पत्ते का रस निकाल लिया है। तुलसी के पत्ते का रस निकालने के लिए आपको तुलसी को कुछ कुचा करके इसको किसी गिलास या किसी कटोरी बर्तन में इसको ढक करके 10 मिनट के लिए छोड़ देना है दोस्तों। तो इस तरह से देखिए हमने इसको ढक करके छोड़ दिया था। अब फाइनली देखिए इसमें कुछ भी रस नहीं दिख रहा है, बस आपको इसको इस तरह से निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद दोस्तों इसमें से देखिए बहुत ज़्यादा रस निकल रहा है, बस इसका आपको 5 ml रस तैयार करना है। तो दोस्तों देखिए हमने इसका रस निकाला है, आपको 5 ml की मात्रा में इसका रस निकालना है दोस्तों। ये देखिए हमने 5 ml तुलसी के पत्ते का रस निकाल लिया है। अब इसमें हमको ऐड करना है 5 ग्राम शुद्ध 5 ग्राम शुद्ध शहद। इसमें आपको अगर शुद्ध शहद ना मिले तो आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, कोई भी कंपनी का डाबर बैद्यनाथ या जो भी शहद आपके पास अवेलेबल हो, इसको 5 ग्राम शहद आपको इसमें ऐड कर लेना है। ये आपकी तीसरी औषधि हो गई। और लास्ट में दोस्तों इसमें आपको ऐड करना है ब्लैक पेपर। देखिए ब्लैक पेपर जिसे हम काली मिर्च कहते हैं, काली मिर्च का पाउडर आपको लेना है इसमें बस 1 ग्राम की मात्रा में दोस्तों। 1 ग्राम काली मिर्च का पाउडर आपको ऐड कर देना है, ये मान के चलिए 2 चुटकी। ब्लैक पेपर हमने 3 औषधियाँ मिला ली हैं दोस्तों, तुलसी के पत्ते का रस 5 ml और 5 ग्राम हनी मीन्स शहद और इसमें ब्लैक पेपर 1 ग्राम। तीनों को अच्छी तरह से मिला करके इसको आप सुबह खाली पेट दिन में 1 बार ही प्रयोग करना है, इसको चाट लेना है। जिनको भी खांसी श्वास दमा की शिकायत है दोस्तों, जिनको भी कफ बनता है, कफ जनित रोग है, तो उनके लिए दोस्तों रामबाण औषधि है। यह पुरानी से पुरानी खांसी श्वास दमा को जड़ से ठीक करने की दवा बता रहे हैं दोस्तों। इसके आगे आप समझ लीजिए कि लाखों की औषधियां फेल हैं। यह बहुत ही रामबाण औषधि है दोस्तों, यह बहुत ही कारगर औषधि है। बस इतना ही इस्तेमाल करना है, सुबह खाली पेट दिन में 1 बार ही प्रयोग करनी है आपको। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी, जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।